सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक मस्त बढ़िया सी हैवी ट्रैफिक एक्टिविटी। और आज की एक्टिविटी कौन सी होने वाली है दोस्तों, ये आपको टाइटल थंबनेल लेकर समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ साईनगर शिरडी दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक्टिविटी। और आज की जो दोस्तों एक्टिविटी होने वाली है वो होने वाली है साईनगर शिरडी टू कोपरगाँव। और ऑलमोस्ट दोस्तों 40-50 किलोमीटर्स का ये है सेक्शन है दोस्तों। और ये वाले सेक्शन पे आपको मस्त बढ़िया से 7 से 8 क्रॉसिंग्स आपको देखने मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना दोस्तों, ताकि आपके मोबाइल में भी ये एक्टिविटी एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। और लोकोमोटिव एंड कोचेस को कहाँ इंस्टॉल करना है, कैसे जीपी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरा डिटेल प्रोसेस दोस्तों आज मैंने ये वाले वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना दोस्तों, और आपके सारे डाउट्स फिर क्लियर हो जाएंगे। और फिलहाल जो आप गेम प्ले देख रहे हो दोस्तों, वो भी हमारे शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक्टिविटी का ही गेम प्ले दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीपी लिंक के प्रोसेस से। तो जैसे दोस्तों आप जीपी लिंक के दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको 10 सेकंड्स का वेट करने बोलेंगे। तो सिंपल दोस्तों, आपको 10 सेकंड्स का वेट करना है। और फिर जैसे आपके पूरे 10 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों। और यहाँ पर अभी तक हमारे 10 सेकंड्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए दोस्तों। और यहाँ पर अभी देख सकते हो, अभी हमारे 10 सेकंड्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पर लिखा है स्क्रॉल डाउन टू कंटिन्यू। तो सिंपल दोस्तों, आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बजाज फाइनेंसर के नीचे। तो वहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। तो सिंपल आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। और फिर जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा उस वेरीफाई के ऑप्शन के बाद। तो सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। और फिर जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद आपको ये साइड रिडायरेक्ट करेगी और फिर वापस से आपको 10 सेकंड्स का वेट करने बोलेंगे दोस्तों। तो सिंपल आपको वापस से 10 सेकंड्स वेट करना है। और फिर जैसे आपका काउंट डाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों 10 सेकंड्स का, उसके बाद आपको वापस से जैसे आपने प्रीवियस किया था नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर भी आपको वापस से एक बार वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 10 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर हमको बोला है स्क्रॉल डाउन टू कंटिन्यू। तो सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और आराम से स्क्रॉल डाउन करना दोस्तों, ताकि पेज अच्छे से लोड हो सके। और फिर नीचे गाइस दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको वापस से एक बार वेरीफाई का ऑप्शन सर्च का मतलब ढूंढना है आपको कि कहाँ पर है वेरीफाई। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको वापस से एक बार वेरीफाई का ऑप्शन हमको विजिबल हो गया है। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर आपको वापस से एक बार वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको वापस कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। और ये सेम स्टेप दोस्तों आपको 3 बार करने हैं। तो 2 बार तो हमारा हो चुका है दोस्तों, 2 बार हमने कंटिन्यू कर लिया है। और ये है दोस्तों फाइनल स्टेप। और यहाँ पर वापस से आपको एक बार 10 सेकंड्स के लिए वेट करने बोलेंगे। तो सिंपल दोस्तों, 10 सेकंड्स का वेट करना है आपको। और फिर 10 सेकंड का काउंटडाउन पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वापस से बोलेंगे कि स्क्रॉल डाउन टू कंटिन्यू। तो सिंपल आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, और फिर आराम आराम से स्क्रॉल डाउन करते जाना है, क्योंकि साइट मतलब पेज लोड होना चाहिए अच्छे से, तभी आपको वेरीफाई का ऑप्शन विजिबल होगा दोस्तों। और फिर जैसे आप नीचे मतलब स्क्रॉल करते जाओगे, तो यहाँ पर आपको वापस से वेरीफाई का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और फिर वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। और फिर जैसे आप क्लिक करोगे, तो वापस से यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे आएगा स्टेप 3 of 3। तो ये हमारा होने वाला है दोस्तों फाइनल कंटिन्यू। और फिर जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, उसके बाद डायरेक्ट ये लिंक आपको जीपी लिंक के डाउनलोडिंग पेज पर ये कर देगी, रिडायरेक्ट कर देगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 5 to 10 seconds वापस से वेट करना है। और फिर जैसे आपका मतलब काउंट डाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, कुछ 5 से 10 seconds का ये टाइम लेगा दोस्तों, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको गेट लिंक का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपल आपको गेट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप गेट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो डायरेक्ट आपको गूगल ड्राइव की लिंक ओपन हो जाएगी और वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर दोस्तों बाई चांस आपके इसमें गेट लिंक पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद अगर बाई चांस आपके इसमें APK डाउनलोड करने बोल रहे हैं दोस्तों, तो APK को आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिंपल बैक करना है। और बैक करने के बाद वापस से आपको गेट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर जैसे आप वापस से गेट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद मतलब ऑटोमेटिकली वो आपको गूगल ड्राइव पे रिडायरेक्ट कर लेंगे और फिर वहां पर से आप ये एक्टिविटी डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तों। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लोकोमोटिव एंड कोचेस को कैसे इंस्टॉल करना है। ये तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में बताया है कि आपको लोकोमोटिव एंड कोचेस को कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ पर इंस्टॉल करना है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ हमारे नए व्यूअर्स के लिए वापस से एक बार हर एक वीडियो में मैं इसको मेंशन करता हूँ। तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स होंगे, उनको तो पता ही है दोस्तों क्या करना है। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे हैश को करना है सिलेक्ट। और फिर ये सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट या फिर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा।
तो आप ये दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन चूज करता हूँ, और फिर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन पे चूज करने के बाद वही हमारा प्रोसेस है गाइस, डिवाइस मेमोरी, फिर एंड्रॉइड डेटा, com.n3v गेम्स, फिर फाइल्स, फिर यूजर डेटा। और यूजर डेटा में जाने के बाद दोस्तों अगर आपके इसमें पहले से कुछ एड ऑन्स इंस्टॉल होंगे या फिर ऑब्जेक्ट्स इंस्टॉल होंगे तो ओरिजिनल फोल्डर आपका ऑलमोस्ट फुल हुआ होगा। और लोकल फोल्डर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल फोल्डर एकदम खाली है दोस्तों। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आपके जो लोकोमोटिव एंड कोचेस है उसको आप दोस्तों लोकल फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम प्रॉपर तरीके से दोस्तों लोकोमोटिव एंड कोचेस वर्क करेंगे। मैंने पर्सनली भी मेरे सारे लोकोमोटिव कोचेस और सारे एडऑन्स लोकल फोल्डर में ही रखे हैं, सिर्फ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स रूट और एक्टिविटी है उसको ही सिर्फ मैंने ओरिजिनल में रखा है दोस्तों। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से दोस्तों वर्क हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है दोस्तों, और 32% एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और देख सकते हो ऑल लोकोमोटिव एंड कोचेस फॉर कोंकण रूट, मतलब ये कोंकण रूट के एक्टिविटीज़ में भी और आयर महाराष्ट्र रूट सबके सेम ही है। और ऑलमोस्ट 910 MB के दोस्तों ये फाइल है, और ये आपको सिर्फ वन टाइम डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको वापस डाउनलोड करने की कुछ गरज नहीं है दोस्तों, कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको जो एक्स्ट्रा एडवांस में प्रोवाइड करूँगा वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि एकदम अच्छे तरीके से एक्टिविटी विजिबल होनी चाहिए इसके लिए। और अगर दोस्तों कोई कोई इसमें मतलब मैं देख रहा हूँ कि एडवांस वर्क नहीं कर रहे, तो अगर दोस्तों आपने लोकल में किया और आपके एडवांस वर्क नहीं हुए तो गाइस आप ओरिजिनल में कर सकते हो, क्योंकि जो एंड्रॉयड के न्यू वर्जन आए दोस्तों उनमें खास करके ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे आप लोकल फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपका एंड्रॉयड 12 और 13 होगा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोकोमोटिव एंड कोचेस को भी ओरिजिनल फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट करना, हैश को रीनेम करके, अगर उसमें पहले से ही कोई हैश एग्जिस्ट होंगे जैसे कि #01, #02, #03 ऐसे, तो आपको सिंपल दोस्तों वो जहाँ पर आपका हैश एंड हुआ होगा जैसे कि #10, तो आपको #01 को रीनेम करना है #11 पे, और फिर वही सीक्वेंस में दोस्तों आपको हैश को क्रिएट करते जाना है। अगर दोस्तों आपने सीक्वेंस तोड़ा तो आपके इसमें ये लोकोमोटिव एंड कोचेस वर्क नहीं होंगे और एक्टिविटी भी दोस्तों प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होगी। तो जैसे दोस्तों आपका ये सब पूरा इंस्टॉल करके हो जाएगा उसके बाद आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको assets.tdx फाइल अगर विजिबल होगा तो assets.tdx फाइल को भी आपको कंपलसरी डिलीट करना है दोस्तों। तो चलिए गाइज अभी द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी को कैसे इंस्टॉल करना है उसके तरफ से। तो जैसे आप दोस्तों शिरडी सुपर फास्ट एक्सप्रेस एक्टिविटी डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, और उसके अंदर आपको 4-5 फाइल्स दिखाई देंगे। तो सिंपल दोस्तों आपको शिरडी सुपर फास्ट एक्सप्रेस एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के बाद वही प्रोसेस जैसे कि हमने लोकोमोटिव कोचेस को किया था सेम टू सेम वैसे ही, डिवाइस मेमोरी, फिर एंड्रॉइड डेटा, फिर आपको जाना है com.n3v गेम्स, फिर फाइल्स, फिर यूजर डेटा। और यूजर डेटा में जाने के बाद दोस्तों अभी आपको जाना है ओरिजिनल में, क्योंकि ये है एक्टिविटी, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक्टिविटी रूट्स और ऑब्जेक्ट्स को ओरिजिनल फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट करना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो #36 मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, क्योंकि #35 भी मेरा हैश एंड हुआ था प्रीवियस हैश, तो #35, #36 हम लोग ने यहाँ पर बना लिया है। और पासवर्ड जानने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी लाइक करना दोस्तों, और आपके दोस्तों में भी ज़रूर ये शेयर करना। तो चलिए अभी मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ। तो आज की एक्टिविटी का पासवर्ड है दोस्तों 12132, तो ध्यान से देखना दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हो वापस से एक बार, तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 12132 डालने के बाद सिंपल आपको करना है ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपका जो आरक्यू है वो सक्सेसफुली यहाँ पर डीकम्प्रेस्ड हो जाएगा, और फिर जैसे डीकम्प्रेस हो जाएगा दोस्तों उसके बाद वापस से आपको अंदर आना है, और ये जो 4 फाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों उसको आपको सिंपल कट करना है, और कट करने के बाद यहाँ पर उसको बाहर पेस्ट करना है, और फिर जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपकी एक्टिविटी का ऑलमोस्ट दोस्तों 90% पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ज़रूर करना दोस्तों, और फिर ऑफिस से बाहर आना है आपको, और फिर assets.tdx फाइल विजिबल होगी तो assets.tdx फाइल को भी कंपलसरी डिलीट करना है। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको थोड़ा सा एक 4-5 मिनट का गेम प्ले दिखा देता हूँ हमारे इस एक्टिविटी का। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही आपको एक क्रॉसिंग दिखाई दे देगी शालीनगर शिरडी पे, मतलब एक ट्रेन दोस्तों सामने से आएगी अमूल WAP5 के साथ बहुत बढ़िया तरीके से, और शिरडी पर से दोस्तों आपका डिपार्चर टाइम है रात के 10:20 पर, और कोपरगाँव में आपको पहुंचना है दोस्तों 11 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ये दोस्तों एक्टिविटी होने वाली है, और 40 मिनट्स की एक्टिविटी में दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 6-7 क्रॉसिंग्स देखने मिलने वाले हैं। तो ज़रूर दोस्तों एक्टिविटी को डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो फटाक से जाके आप दोस्तों ये एक्टिविटी को डाउनलोड कर सकते हो, और आपका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दोस्तों ज़रूर
शेयर कर सकते हो दोस्तों हमें इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर। और यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी हम लोग दोस्तों पुंटाम्बा जंक्शन पर अराइव हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर हमको रुकाया गया है, और जो कि दोस्तों हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। इसके लिए दोस्तों आउटर पे ही हमने एक ट्रेन को ओवरटेक किया, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो। और अभी हम पुंटाम्बा जंक्शन पर अराइव कर रहे हैं, और मस्त बढ़िया तरीके से शिरडी के लाइन से अभी हमारी ट्रेन आई है। सिंगल लाइन है दोस्तों पुंटाम्बा टू शिरडी, और जो ग्राफिक है एक नंबर ग्राफिक है दोस्तों शिरडी टू पुंटाम्बा के बीच में। मस्त एकदम बढ़िया तरीके से आजू बाजू आपको खेत वगैरह दिखाई देंगे। एकदम बढ़िया तरीके से हर्षल भाई ने दोस्तों ये रूट क्रिएट किया है, और ये जो वर्जन आप देख रहे हो दोस्तों वो है आयर मार्शल रूट का वर्जन 20। तो अगर आपने आयर मार्शल रूट का वर्जन 20 अभी तक डाउनलोड नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप दोस्तों एक्टिविटी नहीं रूट को भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो रूट है वो किसने बनाई ये तो गाइस मेरे को पता नहीं कि आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको सब पता ही होगा कि ये रूट किसका है। जैसे कि आपको पता है हर्षल भाई यानी कि ऑफिशियल ट्रेन्स गेमर, तो उन्होंने दोस्तों ये रूट बनाया है, एक नंबर रूट और एकदम बढ़िया HD रूट। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अभी मतलब हम लोग ने बीच में स्किप किया था, और जो ट्रेन को हमने ओवरटेक किया है वो भी ट्रेन यहाँ पर पुंटाम्बा स्टेशन पे अराइव हो चुकी है, और यहाँ पर एकदम धीरे धीरे क्रॉसिंग होते हुए दोस्तों डीजल लोकोमोटिव के साथ और अल्को लोकोमोटिव यहाँ पर आगे बढ़ रहा है जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ। और ये ट्रेन अब जा रही है दोस्तों शिरडी की तरफ, और हम जा रहे हैं मुंबई की तरफ। और जो बगल में जो ट्रेन थी जिसको हमने ओवरटेक किया वो भी मेरे ख्याल से मनमाड़ नासिक की तरफ जा रही है दोस्तों। और मस्त बढ़िया तरीके से यहाँ पर देख सकते हो आप क्रॉसिंग होते हुए जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ। और अभी दोस्तों हमको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और थोड़ा वेट करेंगे हम, जैसे ये ट्रेन पूरी कम्प्लीटली क्रॉस हो जाएगी दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पर से डिपार्चर ले लेंगे। और बढ़िया तरीके से यहाँ पर देख सकते हो जनशताब्दी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग एकदम सक्सेसफुली दोस्तों हो चुकी है यहाँ पर। और कैसी लगी क्रॉसिंग यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक्टिविटी को डाउनलोड करना पूरा अच्छे तरीके से दोस्तों प्ले करना कोपरगाँव तलक, और प्ले करने के बाद आपका वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर शेयर करना दोस्तों हमको इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी दोस्तों आप ये वाला फीडबैक शेयर कर सकते हो आपका। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर से डिपार्चर ले लेंगे, और अभी दोस्तों बाकी के जो क्रॉसिंग्स है वो आप डायरेक्ट एक्टिविटी डाउनलोड करके प्ले करके ही देख लेना आपके मोबाइल के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग यहीं पर करेंगे वीडियो को एंड, मतलब यहाँ पर से डिपार्चर ले लेंगे और फिर करेंगे वीडियो को एंड। और फिलहाल दोस्तों देख सकते हो वापस से एक बार हम लोग यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं एक एक्सप्रेस ट्रेन को, जो कि हम लोग ने आउटर पे भी किया था, और आउटर के बाद अभी स्टेशन पे भी ओवरटेक कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है तो इसके लिए गाइज़ हमारी ट्रेन का कुछ ज़्यादा ही हाई प्रायोरिटी है। तो गाइज़ आई होप कि आपको आज का ये वाला हमारा गेम प्ले अच्छा लगा होगा, आज की ये वाली हमारी एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अगर अभी तक आपने एक्टिविटी डाउनलोड नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर से आप दोस्तों ये वाली एक्टिविटी को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके एक्टिविटी को प्ले करना, प्ले करने के बाद दोस्तों आपका एक्सपीरियंस शेयर करना, और अगर दोस्तों आपको एक्टिविटी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और एक नए एक्टिविटी या फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।